हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ा फंक्शन को एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हमारी वेशभूषा देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हम लोग किस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से, हर्षो उल्लास से हम लोग आज़ादी का 76वां सेलिब्रेशन मना रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे का अमृत महोत्सव एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सभी कोई पार्ट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कुछ गाने की कोशिश करी है। बस आप मेरा आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी आवाज़ मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है। कुछ दिनों से फीवर चल रहा था इस वजह से, तो आवाज़ भी बहुत भारी है। लेकिन मैंने कोशिश करी है कुछ गाने की, तो प्लीज़ आवाज़ पे आप लोग कमेंट मत करिएगा, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग सिंगर नहीं हैं, बस हम लोग फंक्शन को एंजॉय करें। जैसे हर फंक्शन को हम लोग एंजॉय करते हैं, तो ये फंक्शन हम लोग कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, भारत को इतना मान सम्मान देते हैं। तो भारत के ये महापर्व को मनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें दिल से मनाना चाहिए, और हम लोग वही कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, हम लोग जो जिस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर मस्ती किए हैं, इंजॉय करे हैं, सेलिब्रेट किए, बस वही थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रही है और हमने कैसे एंजॉय किया इसे एंजॉय कीजिए। और आपको अच्छा लगा तो हमारे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें देना बिल्कुल नहीं भूलिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारे अपार्टमेंट के सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी है और हम लोगों ने कुछ पहले से कुछ खास प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है और आवाज़ भी साथ नहीं दे रहा था। फिर भी लोगों ने बोला कि नहीं, एंजॉय करना है। मन में तो था कि मैं करूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोग सुनने के लिए रेडी है तो मैं गा ही सकती हूँ। मैं क्या, हम लोग सभी इंजॉय कर सकते हैं। तो सारे लोगों ने मिल के बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है सारे गानों को इंजॉय करने की, गाने की, देशभक्ति सॉन्ग को। तो होप सो गाइस आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छा, आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, बस कोशिश करी है, तो होपफुली गाइस आपको वो पसंद आए। तो गाइस यहाँ पे जितने भी फ्लैट मेंबर हैं, जितने लोग हैं अभी, या जितने लोग ऑफिस से स्कूल गए हैं तो वो तो जा चुके हैं, और जितने लोग हैं वो सारे लोग मिलके यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। किसी भी एक इंसान को पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आप करिए, हम लोग सारे काम मिलजुल के ही इंजॉय करते हैं। तो इस तरह से ही ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छे से सारा काम हो जाता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिलहाल इस टाइम भी हम लोग काफ़ी इंजॉय और मस्ती कर रहे हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा गला माइक से कम हुआ नहीं, आज कम लग रहा है। वो अब दो शब्द बोलिए। तो यहाँ पे गाइस हमारा फ्लैग होस्टिंग हो चुका है और सारे लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब कौन सा हमें गाना गाना है, या क्या प्रोग्राम करना है, या फिर स्पीच देना है। बच्चे भी अभी तैयारी में हैं, एंजल भी देख रहे हैं, आप लोग मस्ती कर रही है और यहाँ हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। सारे लोगों की नज़र बस इस तिरंगे पे टिकी है कि कितना प्यारा लग रहा है ऐसे लहराते हुए। और यहाँ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि डांस करना है, डांस करना है, बट इनका टेस्ट का टाइम चल रहा है, इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है, तो डांस तो नहीं होगा इस बार, सिर्फ देशभक्ति सॉन्ग ही होगा। भारत देश है मेरा।
देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहिने बाएं दहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नया है जहाँ मेरी है नगर, देश को बनाऊंगा मसीनों का नगर। भारत
यहाँ पे गाइस इस तरह से हम लोगों ने सारे बहुत ही अच्छे से मती के सारे एज के लोग इस महापर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए या मिलजुल के हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए। सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए था, हम औरतों के लिए था कि फुल डे छुट्टी था हमारा किचन से। आज हमारा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सारा व्यवस्था किया गया था, हमें किचन में नहीं जाना था, तो हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी है आज। और जहाँ ये बात रहा कि हम सारी लेडीज़ ने पार्ट लिया और गाना गाया, तो जी हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बच्चों के एक आगे एक मिसाल कायम करने की कोशिश करी है कि बच्चे भी इस चीज़ को समझे कि हमें सारे पर्व त्यौहार जैसे हमें मनाना है, इस पर्व को भी हमें इसी तरह से धूमधाम से मनाना है। और इस बार नहीं तो अगले बार, नहीं तो उसके अगले बार ये लोग ज़रूर पार्ट लेंगे और इसे अच्छे से धूमधाम से वो लोग इन्जॉय करेंगे और आगे भी करते रहें। बस हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम लोग जो भी करें बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, तो बस आशा करते हैं कि बच्चे जल्दी सीख जाएँ और वो इंजॉय करें इस महापर्व को दिल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।